सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशी वर्मा ब्लॉग। सो इस व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको कि मतलब न्यू ईयर के दिन, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, हम किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे। मतलब ऐसा तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, बट हम जा रहे थे मंदिर इस समय, और हमारी फैमिली मंदिर जा रही थी, और ये हम निकल चुके थे घर से। वीडियो मतलब रास्ते में बहुत शोर वगैरह था, इस वजह से हमने सारी वॉइस जो थी ऑफ करके अपनी खुद की ही वॉइस ओवर करने का सोचा था। वो पहले हमने बहुत ज़्यादा वेट किया था कि हम ऑटो वगैरह से चले जाएं, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल तो कोई है नहीं, तो इस वजह से फिर हमने मेट्रो का सोचा कि मेट्रो से चले जाते थे। तो मतलब ऑटो और मेट्रो में इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी, और उसी दिन हमारे घर के नियर बाय में मतलब पास में नगर कीर्तन निकलना था, तो उस वजह से भी बहुत वहाँ पर रश हो रहा था। फिर बहुत मुश्किलों के बाद हमें मेट्रो में जगह मिल गई थी और सीट भी मिल गई थी, सब बैठ गए थे, मैं और माही खड़े हुए थे बस। बाकी बहुत रश था उस दिन, न्यू ईयर वाले दिन बहुत ही ज़्यादा रश था। और यहाँ हम जो स्टेशन पे हम आए हैं, तो ये था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उतर के हम जा रहे थे भैरव बाबा के मंदिर, तो ये सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पे हमें उतर के फिर से ऑटो लेना था आगे तक जाने के लिए, लेकिन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और कोई भी ऑटो वाला नहीं जा पाया। तो उसके बाद हमने अपनी डेस्टिनेशन चेंज करके हम सीपी आए ऑटो में, और हम हनुमान जी के मंदिर गए। तो क्योंकि अब निकले थे घर से तो कहीं तो हमें जाना ही था मंदिर में, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए थे, भैरव बाबा के मंदिर पहुँच ही नहीं पाए थे, तो इसलिए हम हनुमान जी के मंदिर आ गए थे। वहाँ से कोई ऑटो, कोई बस, मतलब कुछ नहीं मिल रहा था हमें वहाँ पर। और यहाँ पर भी मंदिर में, इस मंदिर में भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। वो भी हमें इतनी मतलब जल्दी दर्शन इसलिए हो गए थे क्योंकि लेडीज़ लाइन अलग बनी हुई थी और हमारे साथ तो कोई जेंट्स नहीं गया हुआ था, तो इसीलिए हम मतलब जल्दी एंट्री कर गए थे उसके अंदर, मंदिर के अंदर। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी इतना रश था कि आगे तक तो जाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था किसी को भी, सब पीछे पीछे थे इतना। और प्रसाद वगैरह भी खुल के नहीं चढ़ा पा रहे थे, मतलब कि पंडित वगैरह जी नहीं दे रहे थे, तो इस वजह से बहुत मतलब फिर भी हमने इंजॉय तो किया ही, बट ये था कि बहुत मुश्किल भी हुई थी न्यू ईयर वाले दिन आने जाने में। और यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं, मतलब जितना भी मंदिर में माता वगैरह की, यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, अंदर की साइड था ये मंदिर में, इधर भी बहुत भीड़ थी कि मतलब धीरे धीरे चल रहे थे सारे लोग भी, क्योंकि इतना रश था। और ये देवी मंदिर, और उसके बाद ये लास्ट ही था, फिर बाहर ही निकलना था इसके बाद हमें डायरेक्ट। और ये नंदी जी की फ़ोटो जी, पहले तो यहाँ पे ये था कि इनके कान में भी कुछ कह के मतलब बोलते थे, लेकिन अब ये अलाउड ही नहीं कर रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि किसी को मतलब बस हाथ जोड़ सकते हैं और निकल सकते हैं। उसके बाद ये नहीं था कि वहाँ पे हम जैसे जो पहले करते थे कि कान में बोल के विश अपनी बोल सकते थे। और इस मंदिर में एक और ख़ासियत है, यहाँ पे बंदर बहुत होते हैं, साथ ही साथ मंदिर के साइड्स में छोटे छोटे वेंडर्स भी बैठे हुए थे काफ़ी, मेहंदी, टैटू और खाने पीने के छोटे आइटम्स वगैरह लेकर। मंदिर तो बहुत रश था इस दिन। और इसके बाद हम बाय मेट्रो घर जाने के लिए निकले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम मेट्रो से भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक पहुँचे, अंदर गए, बट प्लेटफॉर्म तक नहीं जा पाए थे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल ही दम घुटने लग रहा था वहाँ पे, इतनी मतलब धक्का लग रहा है पीछे से, बहुत ज़्यादा रश था। और ये हम मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा रुके भी थे हम फोटोज़ वगैरह के लिए, सब लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, तो बाकी हमने भी की थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, कि मतलब हमें तो ये लग रहा था कि आधे से ज़्यादा दिल्ली के लोग यहीं आ गए हैं इसी मंदिर में, इतना रश था बहुत ज़्यादा। सो यहाँ अब हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।